हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? जैसा कि आपने देखा, दो टॉपिक तो आपने क्लियर कर लिया, यानी पहला लेक्चर की बात नहीं है, यानी पहले ही यूनिट आपने क्या किया, ख़त्म किया, जिसमें आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। दूसरा टॉपिक यानी दूसरा जो चैप्टर था उसमें गॉस थ्योरम के बारे में आपने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, ये आपका तीसरा चैप्टर होगा। उस चैप्टर में हम देखेंगे वैद्युत विभव क्या है और वैद्युत विभवांतर क्या है। तो सबसे पहले इस लेसन में हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, किस प्रकार इसका अध्ययन किया जाएगा। तो एक साधारण भाषा में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ इंट्रोडक्शन में दिया है, द्रव का प्रवाह, जैसा कि आप देख लीजिए, सबसे पहले एक ले लीजिए आप गिलास। क्या लेंगे आप? गिलास लीजिए। ये आपका क्या है? गिलास है। अब आपके सामने दो गिलास हम रख दिए हैं। अब एक गिलास में आपको क्या भरना है? जल भरना है। ये जल कहाँ तक है? यहां तक जल पूरा भरा हुआ है। ये आपने क्या किया? पहले गिलास में जल भर लिया और दूसरे गिलास में आपने क्या किया? जल भर लिया। दूसरे गिलास में भी क्या होगा? आपका जल होगा, लेकिन वो उतनी ऊंचाई तक नहीं होगा जितनी प्रारंभ यानी गिलास में होगा। तो हमने कहा सबसे पहले आवेश के प्रवाह या वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर को समझने के लिए द्रव के प्रवाह या द्रव के दाब के आधार पर इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो हमने दो गिलास लिया, एक गिलास में उच्च अधिकतम ऊंचाई तक क्या किया? जल भरा, और एक गिलास में थोड़ी सी कम ऊंचाई तक द्रव भरा। जब इन दोनों गिलासों को किसी नली द्वारा क्या करते हो या किसी पाइप द्वारा जोड़ देते हो, क्या करते हो? जोड़ देते हो, तो द्रव का प्रवाह क्या होने लगता है? द्रव का प्रवाह होने लगता है, द्रव का प्रवाह होने लगे किधर से? जो अधिकतम ऊंचाई से न्यूनतम ऊंचाई की ओर। तो द्रव का प्रवाह की जो दिशा होगी या द्रव का जो दाब होगा, उच्च से किस तरफ होगा, निम्न की ओर होगा, ये तो साधारण है। यानी आपने दो गिलास लिया, दोनों गिलास में जल भरा, एक में अधिकतम ऊंचाई तक भरा, एक में न्यूनतम ऊंचाई तक। जब किसी नली द्वारा इन दोनों गिलासों को आपने क्या किया? जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद देखा द्रव का प्रवाह जो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने लगता है, और ये क्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का क्या हो जाए, दाब या द्रव आपस में बराबर ना हो जाए, तब तक ये क्रिया चलती है। और इसी प्रकार हम दूसरी बात करते हैं इसको समझाने के लिए। आप क्या करिए, एक क्षण ले लीजिए। क्या करिए? एक क्षण ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक क्षण ले लीजिए इस तरह, ये हमारा एक क्षण है, सिरा ए है और बी है। जब सिरा ए को आप गर्म करते हो तो इसका ताप क्या होगा, बहुत अधिक हो जाता है। तो अधिक हो जाने के कारण किसका ताप? ए का ताप अधिक हो जाने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, स्थानांतरण होने लगते हैं किधर से, निम्न दाब की ओर। यानी यहाँ भी जो ऊष्मा की प्रवाह की दिशा होगी वो ताप निर्धारित करेगा, और ताप का प्रभाव सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, या हम कह सकते हैं उसी प्रकार आवेश की ओर। यदि हम दो गोली लेते हैं, एक गोली ये है, एक गोली ये है, इस पर क्या है, अधिकतम आवेश की मात्रा है, ये क्या है, अधिकतम आवेश की मात्रा आपके सामने हम दे रहे हैं दो गोलियों पर।
ये आपके सामने दो गोली है और इस पर हम दे रहे हैं न्यूनतम आवेश, दे रहे हैं इस पर न्यूनतम आवेश दे रहे हैं। और जब इन दोनों गोलियों को या पिंडों को हम किसी तार द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो आवेशों का स्थानांतरण होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, वो किधर से होता है, उच्च से निम्न की ओर या नीचे की ओर होता है, ये ध्यान देना। यानी जैसे गिलास में जो क्रिया होगी वही क्या हुआ क्षण में होगा, वही क्या होगा आपका किसमें होगा गोली में। तो ये हमारा क्या निर्धारित करता है, इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा, इन तीनों के बीच का जो अंतर होगा वही क्या कहलाता, विभवांतर कहलाता, वही क्या कहलाता हमारा विभवांतर कहलाता है। सबसे पहले इस टॉपिक को देखेंगे, क्या कहेंगे, किसी आवेश के या किसी द्रव के प्रवाह की दिशा, द्रव की तल की ऊंचाई अर्थात उसके दाब निर्धारित करता, ये बात सत्य है। जो द्रव की प्रवाह की जो दिशा होगी उसका दाब निर्धारित करेगा या उसकी ऊंचाई निर्धारित करेगा। और द्रव का प्रवाह सदैव उच्च तल से नीचे तल की ओर या उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर होगा। जैसे हमने क्या किया है, इस गिलास में आपको दिखाया है, इस गिलास में क्या है आपको दिखाए हैं। दूसरा टॉपिक ये है, अब क्या कह रहा है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा वस्तु के ताप द्वारा निर्धारित होता है। यानी जो क्षणीय क्षण को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तथा ताप ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। आप एक यही है, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये सिरा गर्म होगा और ये सिरा क्या होगा, नहीं होगा, तो इस सिरा ताप अधिक होगा तो स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का हो जाएगा, तो दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है, कह सकते हैं वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। और निर्धारित तभी आप कर पाएंगे जब उन आवेशों को या उन वस्तुओं को आवेशित करेंगे, आवेशित करके किसी तार द्वारा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, उनके आवेशों को प्रवाह के आवेश की प्रवाह की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस आधार पर, सबसे पहले पढ़ते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है, फिर पढ़ते हैं वैद्युत विभव क्या होता है, इसको अच्छी तरह देखते हैं। इसके पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन लेंगे आप, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर ये क्या है आपका, वैद्युत विभवांतर है। इसको आप अच्छी तरह समझिए, देखिए हम किसी बिंदु पर क्या दिए हैं, एक बिंदु है, इस बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश लिए, जब प्लस क्यू आवेश लिए हैं तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस क्षेत्र के भीतर दो बिंदु लेंगे, एक ए है, एक क्या है बी है, और ये भी क्या होगा आवेशित होगा, इस पर भी क्या होंगे,
प्लस होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु बी से ए तक, या हम कहें बी से कहां ला रहे हैं, इस बिंदु तक ला रहे हैं। तो अगर बोलो ये इस आवेश को इस आवेश के समीप लाओगे तो क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि प्लस ही आवेश है। कैसा है, प्लस ही है, ये इसके समीप लाएगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, अर्थात बल के क्या करेगा, विरुद्ध काम करेगा। तो इसके समीप लाने की कोशिश ना करके हम क्या करें, केवल ए तक ही लाएं तो भी परिभाषा बन सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश, यानी इस परीक्षण आवेश का मतलब क्यू नॉट को ले लेते हैं, तो किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी परीक्षण आवेश को क्या, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, चाहे ये ए हो चाहे ए को हम यहां पर ले रहे हैं, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या करें, बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उनके बीच का जो अंतर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, एक बिंदु लिया, उसको आवेशित किया, तो उसके चारों ओर क्या हुआ, एक आवेश उत्पन्न हुआ। आवेश उत्पन्न हुआ तो क्षेत्र का निर्माण हुआ, उस क्षेत्र के भीतर एक बिंदु बी लिया जिस पर एक प्लस की आवेश है, तो ये प्लस की आवेश इसके समीप आएगा तो क्या ये लाने की कोशिश करेगा, नहीं प्रतिकर्षण यानी धक्का देने की कोशिश करेगा। जब ये धक्का देने की कोशिश करेगा तो दूर यानी बल का विरुद्ध काम करेगा। तो हम कह सकते हैं तो किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में किया गया जो कार्य होगा वो किसके विरुद्ध, बल के विरुद्ध किया गया कार्य, वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर। तो जहां तक हमें उम्मीद है इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे, तो इसकी परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। क्या होगा, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर बल के विरुद्ध, या वैद्युत क्षेत्र के भीतर कार्य करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है, इसको देख लीजिए, कहने का तात्पर्य यह है इस क्यू आवेश को करने में कितना कार्य हुआ, डब्ल्यू कार्य हुआ। तो एक कूलम आवेश को करने में कितना काम हुआ, डब्ल्यू बाई क्यू होगा, ये बनेगा किसके बीच, ए और बी के बीच होगा, डब्ल्यू बाई क्या होगा, क्यू होगा। तो लिख क्या सकते, कहां से ला रहा, बी और ए के बीच ला रहा है, तो बी
माइनस बी बी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट होगा और यही हमारा क्या होगा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। इस तरह हमारा क्या हुआ विभवांतर कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विभव पढ़ेंगे फिर इसके मात्रक पढ़ेंगे। यदि यहाँ से हम परिभाषा बोल्ड की बनाना चाहें तो एक बोल्ड की परिभाषा बना सकते हैं। कैसे परिभाषा बनाएंगे कह सकते हैं एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाने में किया गया कार्य कितना हो एक जूल हो तो उसको एक वोल्ट बोला जाएगा। लेकिन उसके पहले हम ये पढ़ेंगे वैद्युत विभव क्या है उसको ध्यान देंगे। यहाँ पर इसका मात्रक भी लिख लेंगे मात्रक हो सकता कार का मात्रक जूल हो जाएगा। प्रतिक्रिया लिखेंगे कूलाम लिखेंगे या क्या लिखेंगे बोल्ट लिखेंगे अभी सबकी परिभाषा बताएंगे। अब हम देखते हैं वैद्युत विभव क्या है। सेम इसकी परिभाषा बनती है जैसे हमने क्या किया था बिंदु प्लस क्यू लिया था और इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनाया था बी लगा था। अब बी ना कहकर इसको हम कहां से करेंगे अनंत से करेंगे अर्थात वैद्युत क्षेत्र के बाहर की बात करेंगे। तो हम कहेंगे किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे। ऐसा नहीं हो कि एक और दो बिंदु की बात यहाँ एक दो बिंदु की बात नहीं करेंगे। ये जो आपका क्षेत्र का निर्माण आप लिए हो वो क्षेत्र का निर्माण ओ इसके भीतर कहीं पर लाओ यहाँ ला सकते हो यहाँ 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 आप कहीं भी लाओ कहाँ से आना चाहिए अनंत से आना चाहिए। तो वो हमारा क्या बनेगा वैद्युत विभव कहलाएगा। तो इसका जो बनेगा पॉइंट उसको ध्यान देते हैं। अब टॉपिक हमारा क्या है वैद्युत विभव। यहां की परिभाषा बनेगी उसको देखेंगे। किसी धन परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश को कहां से लाना है आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे वी से व्यक्ति किया जाता है। तो यहां जो फार्मूला बनेगा वी ए वी अनंत इक्वल टू डब्ल्यू वाई क्यू नॉट तो वी ए इक्वल टू डब्ल्यू वाई
क्यों ना आए। ये तो क्लियर हो गया। अब एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, इसके मात्रक क्या होंगे, इसके बीमा क्या होगी। वीडियो ये ज्यादा लंबी होगी तो केवल यहाँ पर ही इसमें देख लीजिए इसके मात्रक क्या होंगे। जो मात्रक यहाँ पर लिखा जाएगा वही मात्रक क्या होगा यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम मात्रक, इसके मात्रक क्या हो जाएंगे, कार का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा, और क्या मिलेगा या कह सकते हैं बोल्ट हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए मात्रक हो गए। अब हम एक बोल्ट की परिभाषा देखते हैं, एक बोल्ट की परिभाषा कैसे बनता है। तो कह सकते हैं एक कूलॉम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य यदि कितना हो, एक जूल हो। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, दोनों की परिभाषा निकाल सकते हैं आप, यहां से परिभाषा विभवांतर की, यहां की परिभाषा यहां से निकालेंगे विभव की। तो विभव की दोनों की परिभाषा सही, दोनों का मात्रक समान होता। पहले वोल्ट की परिभाषा लिखेंगे तो एक वोल्ट बराबर हो जाएगा एक जूल बटे एक कूलॉम। तो हम परिभाषा दे सकते हैं एक कूलॉम आवेश को, यह परिभाषा तो एक कूलॉम आवेश को, एक कूलॉम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक कूलॉम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि एक जूल है तो उसे एक बोल्ट विभव कहते हैं। ये हो गई हमारी एक बोल्ट की परिभाषा। अगर यहां से परिभाषा आपको निकालना हो तो एक कूलॉम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि एक जूल हो तो उसे एक वोल्ट विभवांतर कहते हैं। इस तरह हमारी क्या होगी, उसकी परिभाषा हो जाएगी। और वो परिभाषा हम अगले वीडियो में इसके बीमा मात्रक तो आप पढ़ लिए, एमकेएस में मात्रक पढ़ेंगे और इसके बीमा पढ़ेंगे, फिर इसके नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।